महाराष्ट्र में मानसून के आते ही लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मानसून की इस लगातार हो रही बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। मुंबई और उसके आसपास के इलाके में हुई भारी बारिश के बाद भयंकर तबाही लेकर आई। बरसात के कारण कहीं दीवार ढह गई तो कहीं पेड़ गिर गए। मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी दी है, तो नॉर्थ कोंकण में 2 जुलाई तक भारी बारिश हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं उत्तर भारत में गर्मी से हाल बेहाल है। गर्मी इतनी कि सर पर आग बरस रही है। तेज धूप में बाहर जाने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है उत्तर भारत में हर कोई बारिश की आस में बैठा है। किसान से लेकर आम आदमी तक बरसात के आने का इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग भी काफ़ी बार बारिश आने की बातें तो कर चुका है, लेकिन अभी तक बारिश होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। जून के महीने में हरियाणा में पढ़ने वाली बच्चों की छुट्टियों को हरियाणा सरकार ने गर्मी को देखते हुए आगे बढ़ा दिया है। हरियाणा में 1 जुलाई से खुलने वाले स्कूलों को अब 8 जुलाई को खोला जाएगा। सरकार की ओर से गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बहरहाल, गर्मी से अभी राहत मिलती हुई उत्तर भारत में नजर नहीं आ रही। हर कोई इंद्रदेव से वर्षा कराने की गुहार लगा रहा है, लेकिन शायद इंद्रदेव का ध्यान अभी उत्तर भारत की ओर नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र में जहां बारिश के बाद लोगों को आफत झेलनी पड़ रही है, तो वहीं हरियाणा में गर्मी इतनी अधिक हो चुकी है कि सरकार को अब सरकारी स्कूलों से लेकर प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी तक करने का ऐलान कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि गर्मी अधिक बढ़ जाने से बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी होती है, तो वहीं पढ़ाई करने में भी आफत आती है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो स्कूल 1 जुलाई को खुलने वाले थे, वो 8 जुलाई को खुलेंगे। कैमरामैन मधु के साथ संदीप गोयल, पायनियर हरियाणा।